अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बेटा हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बेटा हम स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 3 बेटा डायनामिक्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है 3.1, अब उसमें देखें क्या बताया जा रहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, व्हाट इज़ इट्स मास। अब वो कह रहा है कि एक बॉडी जो कि 20 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लगाई जा रही है, उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज़ इट्स मास, और उसमें उसका कितना मास है ये बेटा हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 3.1 के अंदर बेटा सबसे पहले ये है कि गिवन के अंदर हमारे पास फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन बेटा कितना हमारे पास एग्जर्ट हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रिक्वायर्ड बेटा हमें क्या है मास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। जैसा कि बेटा हम जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला के अंदर हम ये बात करते हैं, एज वी नो डैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम ए, हमें बेटा क्या रिक्वायर्ड है मास एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब फोर्स किसकी कितनी एग्जर्ट हो रही है उसके ऊपर बेटा, फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन बेटा इसका कितना मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10 बेटा कितना होता है 10 किलोग्राम, दैट इज द रिजल्ट। अब यही हमारे पास का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 3.2, द वेट ऑफ द बॉडी इज 120 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। अब एक हमारे पास बॉडी है उसका वेट बेटा कितना है 147 न्यूटन, अब उसका हमने मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले 3.2 इसमें हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन में हम क्या बताएंगे कि हमारे पास एक बॉडी जिसका वेट कितना है 147 न्यूटन, अब हमने फाइंड बेटा क्या करना है उसका मास फाइंड करना है। मास के लिए बेटा हमारे पास जी की वैल्यू इसमें फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड बेटा इसमें हमें मास कैलकुलेट करना है। अब सॉल्यूशन के अंदर देखें बेटा, अब आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी बॉडी का वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू एम जी। अब W भी हमारे पास गिवन है, G भी हमारे पास गिवन है, और मास हमने कैलकुलेट करना है। मास के लिए बेटा हम क्या करेंगे, फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू W ओवर G। अब नेक्स्ट बेटा इसमें क्या है हमारे पास, एम इज इक्वल टू W की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 147 एंड द वैल्यू ऑफ G इज 10। अब इसको बेटा हम फर्दर डिवाइड करेंगे 147 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना होगा 1.47 किलोग्राम, ये इसका बेटा रिजल्ट है हमारे पास 147.7 किलोग्राम। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग, मतलब हमारे पास एक बॉडी को गिरते वक्त बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, जबकि उस बॉडी का मास कितना है 10 किलोग्राम है, हमें उस बॉडी को गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, इस फोर्स को बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसका हमारे पास जो गिवन डाटा है 3.3, अब इसमें देखें बेटा हमारे पास उस बॉडी का मास कितना है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें देखें बेटा हमें रिक्वायर्ड क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर हम इस पे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था बेटा एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर हम एक बॉडी को वर्टिकली हम अप से डाउन या डाउन से अप अगर हम एक चीज़ को थ्रो करते हैं तो उसके एक्सेलरेशन को बेटा हम किसके बराबर रखते हैं, जी के इक्वल, और उसके डिस्टेंस को हम किसके बराबर रखते हैं, एच के इक्वल। तो ये आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला क्या होगा बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स सॉल्यूशन या इसका फार्मूला हम लगाते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी। एफ इज इक्वल टू बेटा मैथ्स हमारे पास कितना है बोला 10, और जी की वैल्यू कितनी है बोला हमारे पास 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा हमारे पास 100 न्यूटन। तो ये था हमारे पास बेटा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, हमारे पास एक बॉडी ठीक है उसके ऊपर फोर्स जो एग्जर्ट की गई है हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है उस बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट की गई है और उस बॉडी का मास बेटा कितना है हमारे पास 50 किलोग्राम। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास 3.4 के अंदर हमारे पास बेटा गिवन क्या है, गिवन के अंदर देखें हमारे पास उसका फोर्स है 100 न्यूटन, मास बेटा हमारे पास कितना है 50 किलोग्राम, रिक्वायर्ड हमें क्या है एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एज वी नो डैट सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, बेटा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स भी हमारे पास है, मास भी है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के रिलेशनशिप में एफ इज इक्वल टू बेटा क्या होता है एम ए, ए इज इक्वल टू क्या होता है एफ ओवर एम, और एम इज इक्वल टू क्या होता है एफ ओवर ए। आपको अगर फोर्स रिक्वायर्ड है फोर्स के लिए हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास, अगर हमें मास रिक्वायर्ड है हम क्या करेंगे एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग बेटा देखें हमारे पास फार्मूला इसका क्या बनेगा, हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू फोर्स बेटा हमारे पास कितने मिला 100 न्यूटन और मास इसका कितना मिला 50 न्यूटन, इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी तरतीब बेटा ये होती है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमने उसका गिवन डाटा मेंशन करना है, उसकी रिक्वायर्ड की कंडीशन मेंशन करनी है, उसका फॉर्मूले की कंडीशन मेंशन करनी है और उसका रिजल्ट मेंशन करना है। ये चार पॉइंट जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए कि उसका गिवन डाटा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको रीअरेंज करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसके साथ हमने मेंशन करनी है उसकी यूनिट क्या है। आप साथ वन बाय वन स्टेप अगर आप उसकी सॉल्यूशन डायमेंशन या उसकी यूनिट को नहीं रिजॉल्व करते मतलब इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एट द एंड जो उसकी यूनिट है वो आपने मेंशन करनी है और उसको हाईलाइट करना है जिससे क्लियर हो जाता है कि इसके हमारे पास ये इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका ये रिजल्ट आया है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अ बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी जिसका वेट बेटा हमारे पास कितना है 3.5 गिवन हमारे पास कितना बेटा, एक बॉडी जिसका वेट हमारे पास कितना है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें बेटा हमने फाइंड क्या करना है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली अपवर्ड के लिए हम उसकी कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे
हमें रिक्वायर्ड बेटा इसमें क्या है, हमें उसकी फोर्स रिक्वायर्ड है F, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड उसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है ये हमें फाइंड करना है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, W, ठीक है। अब हमने क्या करना है, F1 फाइंड करेंगे। F1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड F1 बेटा इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए बेटा इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन तो गिवन है, फोर्स भी मतलब कि हम अकॉर्डिंग तो देखें इसमें फोर्स भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें मास रिक्वायर्ड है। हम पहले क्या करेंगे बेटा, मास को हम मतलब कि पहले कैलकुलेट करेंगे, एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए, आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ओवर ए। हमें पहले फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास बेटा क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए या डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के अकॉर्डिंग बेटा हमें पहले, हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात कर रहे थे, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब पहले हमें एम कैलकुलेट करना है मैच, तो मैच कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड एम यूजिंग फार्मूला। आपको पता है कि हमने अगर एक बॉडी का मैच कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। अब M इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या बोला, W ओवर G। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, ये बेसिकली इसका W वेट है, इसको पुट करें आप 20 ओवर ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 10, ये हमारे पास मैच कितना आ जाएगा इसका 2 किलोग्राम। मैच हमारे पास उसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितना आ गया, 2 किलोग्राम। अब इसी को देखें बेटा, हमारे पास जो मैथ इसका हमने 2 किलोग्राम कैलकुलेट किया है, हमने उसको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में अप्लाई करना है, पुट इन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या एज वी नो दैट टू फाइंड F1 को बेटा जब हम कैलकुलेट करेंगे, F1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एम ए। अब हमारे पास मैथ क्या है, मैथ हमारे पास 2 है और एक्सेलरेशन बेटा हमने जो निकाला है वो कितना वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास ये कितना होगा, 4 न्यूटन। तो इस तरह हम फोर्स उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा W इसकी है हमारे पास गिवन है, W इसका कितना वाला, 20 न्यूटन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं, टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 एंड W इन इक्वेशन नंबर 1। इधर हम लिख देते हैं putting the value of W and F1 in equation number 1. Equation number 1 बेटा हमने क्या लेट की है, हमारे पास equation number क्या थी बोला 1, F is equal to F1 plus W। अब F1 हमारे पास बेटा क्या है बोला, F1 हमने calculate की है वो है 4 न्यूटन और W आपके पास जो वेट है वो गिवन है, वेट आपके पास कितना है, 20 न्यूटन। अब इन दोनों का आप ऐड कर दें, हमारे पास जो एग्जर्टेड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो कितनी है, 24 न्यूटन। ये बेटा इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास टू मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकल। अब इसमें दो मैसेज बेटा हमारे पास गिवन है, एक बॉडी जिसका मैस क्या है 52 किलोग्राम और सेकेंड बॉडी जिसका मैस कितना है 48 किलोग्राम। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास दोनों बॉडी जो हैं वो वर्टिकली एक रस्सी के साथ लटकाई गई हैं, उनकी आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन टी आपने फाइंड करना है। तो अब बेटा देखें इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हमारे पास सबसे पहले बेटा देखेंगे हम 3.6। अब इसमें गिवन क्या है,
मास वन हमारे पास है बेटा 52 किलोग्राम, मास टू हमारे पास है 48 किलोग्राम, जी की वैल्यू आपके पास फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, बट लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि आप किसी भी बॉडी को वर्टिकल थ्रो कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हो। अगर वर्टिकल हम थ्रो करते हैं अपवर्ड तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर हम किसी भी मतलब कि जी को, अगर किसी भी चीज़ को आप डाउनवर्ड उसको थ्रो करते हो तो जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो लेकिन जी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हम लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हियर जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एम वन इज़ द फर्स्ट बॉल ऑफ मास एंड एम टू इज़ द मास ऑफ सेकंड बॉल। अब देखें बेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। गिवन हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड बेटा हमें क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड करना है। अब फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या बोला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देख लें हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी। और टेंशन टी का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होगा, टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू, ये हमारे पास क्या आएगा, जी आएगा। तो इस तरह बेटा हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास फर्दर हम क्या करेंगे, टू फाइंड ए यूजिंग फार्मूला। अब इसका बेटा फार्मूला हमारे पास क्या बोला, ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी। एम वन बेटा हमारे पास कितना बोला, 52, एम टू कितना हमारे पास, 48। इसी तरह 52 हमारे पास प्लस 48, द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 52 माइनस 48 बेटा किसके इक्वल होगा, 4। 52 प्लस 48 हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 टेन ज़ा 100, ए इज इक्वल टू 4/10। इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह बेटा हम एक्सेलरेशन इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसका न्यूमेरिकल, इसी का पार्ट टू, टू फाइंड टी यूजिंग फार्मूला। टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोला, टू एम वन एम टू ओवर बेटा क्या है, एम वन प्लस एम टू। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, एम वन की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, 52। एम टू की वैल्यू कितनी है, 48। 52 इन टू इन 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। आप इसको मल्टीप्लाई करें ये बेटा कितना आएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 52 मल्टीप्लाई बाय 48 ये हमारे पास आएगा 500। कितना आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये बेसिकली आएगा 499 पॉइंट समथिंग। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखोगे, 500। अब देखिए 10 टेन ज़ा बेटा कितना होता है, 100। अब इसको मज़ीद आप कर लेंगे ये आपके पास कितना आएगा, इसको आप करें ये 50, मतलब कि आप इसको मज़ीद आप डिवाइड करेंगे 50, 500 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ जाएगा 50 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 49 पॉइंट समथिंग 5000। इसको बेटा हम कर लेते हैं, 49.22 आ रहा है, 49 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम मज़ीद कैंसिल कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन। तो इस तरह हम टेंशन टी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, इसी का फर्दर 3.7 को हम देखेंगे। थ्री पॉइंट सेवन के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कि टू मैसेज, दो मैसेज हैं, मैस वन बेटा हमारे पास कितना है। अब देखें
टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली. 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड 24 न्यूटन मैसेज इज मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड. फाइंड द टेंशन इन द स्विंग्स एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी. अब इसमें भी हमारे पास दो बॉडीज हैं और उन दोनों बॉडीज के अलग अलग मैसेज हैं. M1 बेटा हमारे पास कितना है 24 किलोग्राम और M2 हम यहाँ रखेंगे 26 किलोग्राम. ठीक है, और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी एक्सेलरेशन और टेंशन टी को फाइंड करना है. 3.7 बेटा नेक्स्ट है हमारे पास गिवन. अब इसमें क्या है, मैस वन बेटा हमारे पास है 24 किलोग्राम, मैस टू हमारे पास है 26 किलोग्राम. द वैल्यू ऑफ जी इज़ फिक्स, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और रिक्वायर्ड बेटा हमें क्या है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन टी हमें फाइंड करना है. ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा देखते हैं हम इसके फार्मूलाज. इसके फार्मूलाज हमारे पास क्या बोला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी. और टेंशन टी का फार्मूला क्या है हमारे पास, M1 M2 ओवर हमारे पास बेटा M1 प्लस M2 इंटू जी. तो इन दो फार्मूला की मदद से हम आसानी से इनको कैलकुलेट कर लेंगे. तो आपके पास पहला क्या है, टू फाइंड टेंशन एक्सेलरेशन ए. टू फाइंड एक्सेलरेशन ए यूजिंग फार्मूला. अब एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी. इनकी वैल्यूज पुट कर दें आप. M1 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 24, ये कितना जगह 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24, 26 और 24 को आप ऐड करें कितना जगह 50 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 फाइव जो 50, इसको फर्दर आप सॉल्व कर लें, 24 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है कितना आएगा 5, 125 न्यूटन. कितना आएगा, हाँ जी. तो इस तरह बेटा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन उसका कितना आ रहा है 5.8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है टेंशन टी. टेंशन टी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, टू फाइंड टेंशन टी यूजिंग फार्मूला. टेंशन टी का बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी. अब इनकी वैल्यू पुट करवाएं, द वैल्यू ऑफ M1 इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ M2 इज 26. इसी तरह आप इसको ऐड करें, 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10. इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, 24 मल्टीप्लाई बाय 26 ये कितना आपके पास आएगा 624. डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10. 10 फाइव द 50, इसको मजीद हम कर लें, 624 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करें, 624 डिवाइडेड बाय 5 ये बेटा हमारे पास कितना आएगा 125 न्यूटन. तो इस तरह हम इसकी टेंशन टी को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 3.8 के अंदर क्या बोला, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन इन सेकंड्स. 3.8 के अंदर बेटा हमारे पास एक मोमेंटम है, वो कितना है चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड. उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो है 20 न्यूटन. हमने टाइम फाइंड करना है. गिवन हमारे पास क्या है, गिवन बेटा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड और हमारे पास फोर्स जो उसके ऊपर एग्जर्ट हो रही है वो कितनी है 20 न्यूटन. और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम. टाइम बेटा हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या होगा, एज वी नो डैट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, एज वी नो डैट
F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T, डेल्टा P ओवर T। अब T इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P ओवर F। अब इसकी वैल्यू पुट करें आप, डेल्टा P ओवर हमारे पास है डेल्टा P की बेटा वैल्यू हमारे पास 22 और फोर्स की वैल्यू कितनी है 20। अब इसको आप डिवाइड करें कितना का 1.1 सेकेंड, ये हमारे पास का रिजल्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ द मास 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। हमने फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 3.9 इसमें बेटा देखें हमारे पास मास कितना है 5 किलोग्राम और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी कितनी है हमारे पास 0.6 और जी की वैल्यू आपके पास फिक्स है कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसकी वैल्यू पुट करनी है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला आपने पढ़ा था कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब इन तीनों की बेटा वैल्यूज पुट करें आप, एफ एस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5 इंटू जी हमारे पास कितना 10। अब इसका पॉइंट आप ख़त्म कर दें, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 न्यूटन, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है बेटा हमारे पास। लास्ट न्यूमेरिकल बेटा हमारे पास 3.10, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम। अब देखें हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड करनी है और उस बॉडी का मास कितना है 0.5 किलोग्राम, रेडियस उसका कितना है 50 सेंटीमीटर, स्पीड उसकी कितनी बता रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन बेटा देखें, अब गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास मास कितना है 0.5 किलोग्राम, उसकी हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्पीड, वो कितनी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स बेटा हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एफ सी। फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है बड़ा सेंटीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। एफ सी इज इक्वल टू मास बेटा हमारे पास कितना है 0.5 एंड द वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी उसकी कितनी है 3 का होल स्क्वायर और रेडियस इसका कितना है हमारे पास 0.5। 0.5 से आप कैंसिल कर दें, एफ सी इज इक्वल टू 3 का बेटा हमारे पास होल स्क्वायर कितना आएगा 9। ये इसका जो रिजल्ट है हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का, वो कितना आ जाएगा 9 न्यूटन आ जाएगा। ये था बेटा हमारा आज चैप्टर नंबर 3 के कम्प्लीट न्यूमेरिकल्स। कल इंशाल्लाह हम करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स और फिर चैप्टर 2 के, और नेक्स्ट फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।